हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए फिर से लिथियम के बारे में। ये वीडियो है जो अपडेट आई है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ लिथियम के बारे में। जैसा कि आपको पता है, लिथियम इज़ द वाइट गोल्ड, यू कैन से लिथियम इज़ द फ्यूचर पेट्रोलियम, कुछ भी कहा जाए। क्योंकि जैसा कि आपने देखा भाई, इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पुश कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हाई स्पीड मोड में जाने वाले हैं, और उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए जो बैटरीज यूज होंगी वो है लिथियम आयन बैटरीज। अब लिथियम आयन बैटरीज के लिए क्या चाहिए? लिथियम। तो इसीलिए लिथियम इज़ द वाइट गोल्ड, ये समझिए आप। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इंडिया ऑन टॉप। इससे पहले कि अगर आप देखें, चाइना ने बहुत सारे रिजर्व्स पे ऑलरेडी कब्जा कर चुका है, मतलब कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं इसको, क्योंकि इंडिया के अंदर तो लिथियम है नहीं, और जहाँ लिथियम है वहाँ पे पार्टनरशिप तो करनी पड़ेगी, उन कंट्रीज को मनाना पड़ेगा, तभी तो हमारी कंपनीज वहाँ जाके उनकी माइनिंग कर पाएगी लिथियम की, और फिर इंडिया ला पाएंगी। तो कौन सा शेयर है जिसको आप माइनिंग के लिए देख सकते हो? फिलहाल हम बात करते हैं लिथियम इज़ द वाइट गोल्ड, इंडिया टॉप पे क्यों है। तो देखिए, बोलीविया, जैसा कि आप जानते हैं लिथियम का एक ट्रायंगल है। आप क्लियरली सुनिए इस बात को, लिथियम ट्रायंगल है, और ये तीन कंट्रीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर लिथियम रिजर्व्स, अर्जेंटीना, चिले एंड बोलीविया। तो इंडिया ऑलरेडी अर्जेंटीना, चिले के साथ टाई अप कर रहा है, और साथ में अभी देखिए बोलीविया लुक्स टू फॉर टाई अप विद इंडिया ऑन लिथियम माइनिंग। अभी जो उनके इन्वॉय आए हैं यहाँ पे, उनका मानना है। और अभी देखा जाए, जो एक बायलेटरल ट्रेड है इंडिया और बोलीविया के बीच में, ये बायलेटरल ट्रेड 850 मिलियन US डॉलर 2019 में रहा, बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा। और बोलीविया जो कि लार्जेस्ट रिजर्व है लिथियम का, तो बहुत बढ़िया मैं कहूँगा, बहुत बढ़िया हाथ मार रहे हैं यहाँ पे इंडिया वाले, मतलब सही जगह जा रहे हैं यहाँ पे लिथियम। इंडियन फर्म्स को कहा जा रहा है कि आइए भैया, आप यहाँ माइनिंग कीजिए, और ये साउथ अमेरिका का देश है, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया। यहाँ पे वो जो बोलीविया के आए हैं राजदूत आए हैं, वो इंडिया से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, और यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे, ये तो इंडिया यहाँ पे तो चलो ठीक कर रहा है, लेकिन कौन सा शेयर है जिसको खरीदा जाए? कौन सी कंपनी जो यहाँ जाएगी माइनिंग करेगी? तो यहाँ पे जिस तरीके से पहले भी कई बार इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका मेजर रोल रहने वाला है लिथियम माइनिंग में। ये कंपनीज को हेड, बहुत सारी कंपनीज को हेड करने वाली है इंडिया की तरफ से। आप खुद देखिए, शेयर प्राइस मात्र 47 रुपये का है, और आप डिविडेंड यील्ड देखिए स्टॉक का, 12.5% का डिविडेंड, मतलब अल्टीमेट। फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा तो ये डिविडेंड दे देता है, बहुत ही बढ़िया। डेट फ्री शेयर है, 8-9 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ये लीड करने वाला है, आप खुद देखिए। चलिए इंट्रिंजिक वैल्यू देखिए और करंट प्राइस देखिए, ज़बरदस्त। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी टाइम से गिरावट की मार झेल रहा है, और ये काफ़ी टाइम से नहीं, अक्टूबर 2017 से लगातार गिरते जा रहा है, लगातार गिरते जा रहा है, और बिल्कुल अपने निचले लेवल पे आ चुका है। ये देखिए, जो 45-46 का लेवल था वहाँ पे अभी इसने टच करके थोड़ा सा ऊपर गया है, और जो इसका और निचला लेवल है वो मैं कहूँगा 30 की रेंज। आप देखिए धीरे धीरे करके ये नीचे आता जा रहा है, जो इसकी जो मेन जो डाउनसाइड लाइन थी उसको ये पार नहीं कर पा रहा ये स्टॉक। तो फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है, इसकी असली वैल्यू तब डिस्कवर होगी, तब अनकवर होगी, जब ये लिथियम का बोलबाला होगा। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, ये अपडेट था अभी लिथियम द वाइट गोल्ड से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।